हेलो एवरीवन, अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़ा डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन फूड और वाटर का कैसे होता है। तो फर्स्ट फोर लाइंस के अंदर ये कहा है कि CO2 और जो आपकी सनलाइट है वो एटमोस्फेयर से लेके क्लोरोफिल की हेल्प से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है लीव्स में, और फिर क्लोरोफिल की हेल्प से वहां पे ग्लूकोज बनता है। लेकिन जो बाकी रॉ मटेरियल्स है जैसे आपके मिनरल्स हैं या वाटर है वो आपके सोयल से लेने पड़ते हैं। तो फॉर प्लांट्स द सोयल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। फिर जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ से होगा इनका, सोयल के अंदर, वो रूट से होगा। द डिस्टेंस बिटवीन सोयल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल। ये कह रहा है कि जहां आपकी फोटोसिंथेसिस होती है फॉर एग्जाम्पल लीव्स, और जहां आपकी सोयल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन है फॉर एग्जाम्पल रूट्स, तो रूट और लीफ के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगा तो वहां पे इजिली डिफ्यूजन के थ्रू जो एनर्जी और रॉ मटेरियल है वो चले जाएंगे। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, इफ दिस डिस्टेंस इज बिकम लार्ज एनफ, क्योंकि पेड़ बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, तो वहां पे प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन असेंशियल है ताकि जो रूट है वहां से रॉ मटेरियल्स और वाटर आपका लीफ तक पहुंच पाए। तो एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन। प्लांट्स डू नॉट मूव, प्लांट्स मूव नहीं करते इसलिए उनकी लोकोमोशन नहीं है, तो वहां पे एनर्जी नीड्स भी कम है, और एनर्जी नीड्स कम है तो वहां पे हमें क्विक आपकी ऑटो सप्लाई नहीं चाहिए जैसे हमें ह्यूमंस के अंदर चाहिए थी, और वहां पे स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी काम कर जाएंगे। सो एज अ रिजल्ट प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स एंड कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। द डिस्टेंसेज ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो सकता है जहां पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्क करेंगे। सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्स का मतलब जो आपके ग्लूकोज है या सुक्रोज है या स्टार्च है वो आपका लीव से दूसरे पार्ट में जाएगा, लेकिन जो बाकी रॉ मटेरियल है जैसे वाटर है, मिनरल्स है, वो आपके रूट से लीव की तरफ जाएंगे। These two passes are constructed as independently organized conducting tubes. और ये सब के सब जो आपका यू कैन से स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स की ट्रांसपोर्टेशन है प्लस वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन है वो आपकी कंडक्टिंग ट्यूब्स के थ्रू होती है। तो जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने 9th क्लास में टिश्यूज चैप्टर के बारे में पढ़ा था वहां पे कि जाइलम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैं एक बार इसको समराइज कर रहा हूँ। जाइलम के आपके चार कंपोनेंट्स हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसके अंदर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो आपका लिविंग है, बाकी सभी आपके डेड है। फ्लोएम के अंदर आपके फिर आपके चार जो कंपोनेंट्स हैं आपका सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। यहाँ पे सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स आपका डेड है, बाकी तीनों लिविंग है। तो अब हम बात करते हैं जाइलम के अंदर कैसे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन जाइलम टिश्यू वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स रीचिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे वेसल और ट्रैकेट्स आपस में जुड़े हुए हैं रूट्स के, स्टेम्स के और लीव्स के एक दूसरे के ऊपर, और ये आपका एक इंटरकनेक्शन जो है वो कंटीन्यूअस सिस्टम बनाता है वाटर कंडक्टिंग चैनल का। एट द रूट सेल्स इन कॉन्टेक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप पाइन्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए ये क्या कह रहा है कि सोयल के अंदर जो रूट्स हैं वो आपके एक्टिवली आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिवली मीन्स वहां पे एटीपी की एक्सपेंडिचर होता है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, और उस एनर्जी की हेल्प से ये, क्योंकि आपके आयंस चार्ज्ड मॉलिक्यूल है और चार्ज्ड मॉलिक्यूल आपकी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि सेल मेम्ब्रेन आपकी लिपिड बायलेयर है, नॉन पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या फिर एनर्जी या एटीपी की हेल्प से ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो जैसे ही आयंस आपका सोयल से रूट के अंदर आते हैं, ओके, सोयल से रूट के अंदर आते हैं तो वहां पे उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाता है, तो फिर वहां पे ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर भी सोयल से रूट के थ्रू रूट के अंदर एंटर कर जाएगा। सो वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोयल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। दिस मीन्स दैट देयर इज स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू रूट जाइलम क्रिएटिंग अ कॉलम ऑफ वाटर दैट इज स्टेडी पुश्ड अपवर्ड्स। तो इस तरह से आपका जो आयन है वो एक्टिवली सोयल से रूट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लगातार होते रहते हैं, और धीरे धीरे वाटर भी उसके अंदर आता रहता है। और वहां पे जब रूट के अंदर बहुत सारा वाटर आपका एक्यूमुलेट हो जाता है तो धीरे धीरे वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है। लेकिन सिर्फ इतना सा जो रूट प्रेशर है या जो वाटर प्रेशर वो आपका काफी नहीं होगा एक बड़े प्लांट के ऊपर उसको ट्रांसपोर्ट करने में। So this pressure by itself is unlikely to be enough to move the water over heights that we commonly see in the plants. So एक और strategy यहाँ पे plant आपकी use करते हैं जिसको हम बोलते हैं transpiration या transpiration pull।
उससे पहले एक्टिविटी 6.8 है, इसके अंदर कहा गया है कि आपके दो स्मॉल पोर्ट्स लो और उन पोर्ट्स के अंदर सेम अमाउंट सोयल होनी चाहिए। उस सोयल के अंदर आप एक के अंदर प्लांट लगाओ, एक के अंदर स्टिक लगाओ सेम हाइट की, फिर उन दोनों को प्लास्टिक शीट से कवर कर दो और आधे घंटे के लिए बाहर धूप में रख दो। तो उसके बाद आपको क्या दिखेगा, तो जो प्लांट वाला आपका पोर्ट है उसकी प्लास्टिक शीट के अंदर आपको वेपर्स की डिपोजिशन दिखेगी, जबकि जो सोयल जिसके अंदर स्टिक हमने लगाई थी वहां पे आपको कोई डिपोजिशन वेपर की नहीं दिखेगी। तो ये आपकी एक्टिविटी इंडिकेट करती है कि प्लांट्स अपने स्टोमेटा से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिलीज करते हैं या लॉस करते हैं। सो प्रोवाइडेड दैट प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर, द वाटर व्हिच इज लॉस्ट थ्रू द स्टोमेटा इज रिप्लेस्ड बाय वाटर फ्रॉम द जाइलम वेसल्स इनटू द लीफ। इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। तो इसके लिए मैंने आपका एक डायग्राम इंसर्ट किया है और ये आपका डायग्राम 11th क्लास की बुक से है। तो जस्ट अ मिनट, लेट मी जूम इट। तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम है, देखिए। तो ये आपका यहाँ पे ये लीफ का टिश्यू है, लीफ के टिश्यू के अंदर क्या है, ये आपका स्टोमेटा है और स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर्स है वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो स्टोमेटा से जब ये वाटर का लॉस हो रहा है तो ये पीछे की तरफ जो कंटिन्यूअस एक फिल्म बनी हुई है वाटर की, ये आपका लीफ का जाइलम टिश्यू है, ट्रैकिड वेसल्स। तो यहां से ये वाटर आपका यहाँ पे आ रहा है कि इस जाइलम, यू कैन से इस लीफ पैरेन्काइमा के अंदर, जाइलम से इस लीफ पैरेन्काइमा के अंदर या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के अंदर ये आ रहा है और यहाँ से स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है। तो जब जब कोई भी मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा तो उसके पीछे वाला मॉलिक्यूल उसकी पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। मीन्स अगर एक लाइन है 10 बच्चों की, तो अगर मैं आगे के दो बच्चे हटा दूं तो पीछे वाले बच्चे अपने आप धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करेंगे उस लाइन को कंप्लीट करने के लिए, और पीछे से कोई और दो बच्चे वहां पे आके उस लाइन में जुड़ जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जब वाटर मॉलिक्यूल्स का लॉस होता है तो ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आते हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स बाहर गए तो ये वाले मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आए, और जो पीछे के मॉलिक्यूल्स थे स्टेम के, रूट के, तो वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं। सो यहाँ पे जैसे एक मॉलिक्यूल आपका आगे जाता है तो उस जगह पे एक सक्शन क्रिएट हो जाता है जो पीछे वाला मॉलिक्यूल आके फिल करता है। तो इस तरह से जो ट्रांसपिरेशन पुल है, ट्रांसपिरेशन आपका होता है, दिस लॉस ऑफ वाटर थ्रू द स्टोमेटा, फिर इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो सक्शन क्रिएट होता है वो हेल्प करता है कि पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स उस सक्शन वाले एरिया को आपका फिल करें, और इस तरह से धीरे धीरे मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल चेन के थ्रू यहाँ पे वाटर जो है वो आपका ट्रांसपोर्ट होता है। सो वाटर मूवमेंट इन द लीफ, इवेपोरेशन फ्रॉम द लीफ सेट्स अप अ प्रेशर ग्रेडिएंट बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड द एयर स्पेसेस ऑफ द लीफ, द ग्रेडिएंट इज ट्रांसमिटेड इनटू द फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड ऑन द वाटर फिल्ड जाइलम इन द लीफ वे। तो धीरे धीरे जो ग्रेडियंट है आगे बढ़ने का, या प्रेशर डिफरेंस का, जो वाटर का प्रेशर डिफरेंस है, वो धीरे धीरे इस तरह से आपका मेंटेन होता है और सक्शन क्रिएट करके यहाँ पे वाटर का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अब हम ये जो लाइन है ये पढ़ते हैं, इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट्स अ सक्शन व्हिच पुल्स वाटर फ्रॉम द जाइलम सेल्स ऑफ रूट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। दस ट्रांसपिरेशन ये आपका दो फंक्शन करती है, पहला कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मिनरल्स में आपका हेल्प करती है, दूसरा ये टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, क्योंकि यू नो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, और अगर इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होगी तो क्योंकि प्लांट के अंदर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, तो वो प्लांट के टेम्परेचर को भी मॉडिफाई करेगी, वहां पे उस टेम्परेचर को रेगुलेट करेगी। देन द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। मेन चीज क्या है कि हमने जब यहाँ पे पढ़ा था कि धीरे धीरे रूट के अंदर वाटर इकट्ठा होता है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ आयंस, वाटर वहां पे मूव करता है और वहां पे कॉलम ऑफ वाटर बन जाता है जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि क्योंकि दिन में आपका इवेपोरेशन होगी एंड रात में आपकी इवेपोरेशन नहीं होगी, तो रात में क्योंकि ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही इसलिए सिर्फ आपका रूट प्रेशर आपका इंपॉर्टेंट है वाटर के ट्रांसपोर्ट करवाने में। सो ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन द ट्रांसपिरेशन पूल बिकम्स द मेजर ड्राइविंग फोर्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम। तो दिन में आपका जो वाटर मूवमेंट है वो मेनली ट्रांसपिरेशन पूल की वजह से होता है और रात में आपका रूट प्रेशर की वजह से होता है, क्योंकि रात के अंदर आपकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, वाटर नीड्स कम है प्लांट की, इसीलिए वहां पे थोड़े बहुत पानी से भी काम आपका चल जाएगा। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। अब इसके अंदर क्या है कि जो आपका लीफ में फोटोसिंथेसिस से फूड बना है वो किस तरह से बाकी जहां पे भी जरूरत है ग्रोइंग पार्ट्स में या रूट्स में वो कैसे जाएगा। तो एक चीज यहाँ पे मेन है कि जाइलम के अंदर जो आपका यू कैन से ट्रांसपोर्ट है
वो यूनिडायरेक्शनल होता है, वो सिंगल डायरेक्शन में होता है। तो इस फिगर 6.12 में आप देखिए कि सिर्फ आपका रूट से ऊपर की तरफ, आपका सोयल से प्लांट के अंदर ऊपर की तरफ आपका एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रांसपोर्ट है वाटर का। सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम। लेकिन अगर मैं फूड की बात करूं तो फूड आपका रूट्स को भी चाहिए और ऊपर वाले ग्रोइंग पार्ट्स को भी चाहिए, तो फूड आपका बाई डायरेक्शनल भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। सो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बाई डायरेक्शनल है, जाइलम का ट्रांसपोर्ट यूनिडायरेक्शनल है। सो अब तक हमने पढ़ा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस होती है और किस तरह से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग अलग तरह से मूव करते हैं। तो वहां पे हमने ट्रांसपिरेशन बोला था वाटर लॉस को, यहाँ पे एक और टर्म हम पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। एंड ट्रांसलोकेशन क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लीफ से किसी भी स्टोरेज ऑर्गन में या किसी भी आपका रिक्वायरमेंट जहां पे है उस ऑर्गन में अगर भेजना है फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को, स्टार्च को, तो उसके ट्रांसपोर्ट को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। मींस लोकेशन का ट्रांसफर हो रहा है, लोकेशन चेंज हो रही है, दिस इज ट्रांसलोकेशन। एंड इट अकर्स इन द पार्ट ऑफ वास्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। तो फ्लोएम आपका फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। बिसाइड्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ अमीनो एसिड्स और दूसरे सब्सटेंसेस जैसे आपके प्लांट हॉर्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन, इथाइलिन, ये सभी भी आपके फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। दिस सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन। तो जहां भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो स्टोरेज ऑर्गन में हो, चाहे रूट, फ्रूट, सीड या किसी भी ग्रोइंग ऑर्गन में हो, तो स्टोरेज ऑर्गन या ग्रोइंग ऑर्गन कहीं भी आपकी रिक्वायरमेंट हो तो वहां पर ये फूड जाएगा। और रिलेटिवली जो प्लांट हॉर्मोन्स है वो बहुत नेग्लिजिबल या बहुत कम अमाउंट में फ्लोएम से आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। Then, the translocation of food and other substances takes place in the sieve tube with the help of adjacent companion cells. So, हमने phloem के चार components पढ़े थे, sieve tube, companion cell, phloem parenchyma, phloem fibers. तो यहाँ पे आपका जो transport है, जैसे xylem के अंदर tracheids और vessels की help से हो रहा था, तो यहाँ पे जो आपका transport है वो sieve tube और companion cells की help से होगा और वो दोनों upward और downward direction के अंदर होगा। So, unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces. सिंपल फिजिकल फोर्सेस लाइक इवेपोरेशन की हेल्प से हमने जाइलम के ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन किया था। देन द ट्रांसलोकेशन इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो मेन चीज क्या है कि वहां पे सिर्फ आपका फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से, जाइलम के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रोसेसेस की हेल्प से आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है फूड का वो आपका एनर्जी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से होता है। तो मैं इसको हल्का सा जूम कर रहा हूं सो दैट वी कैन क्लियरली सी द डायग्राम साथ में। ओके, आई थिंक इट इज ओके नाउ। तो लेट मी डू स्लाइड मोर, या इट्स ओके नाउ। देखिए, सो मटेरियल्स लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू द फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। देखिए, ये आपका जो लीफ के अंदर ब्लैक डॉट्स है, ये आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका ग्लूकोज बना है। अब ये जो भी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स है लाइक सुक्रोज है, ग्लूकोज है, तो ये आपके कहाँ जाएंगे? ये आपके इस, ये जो रेड और येलो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके फ्लोएम के अंदर एक्टिवली अपलोड होंगे। एक्टिवली का मतलब कि यहाँ पे एनर्जी की हेल्प से, एटीपी की हेल्प से वो आपके फ्लोएम के अंदर डाले जाएंगे। अब फ्लोएम के अंदर क्योंकि सोल्यूट ज्यादा हो जाएगा, अगर सुक्रोज जाएगा तो सोल्यूट यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अगर सोल्यूट ज्यादा होगा तो फ्लोएम के साइड में जो आपका जाइलम है, फ्लोएम के साइड में जो आपका जाइलम है, वहां से वाटर आपका मूव कर जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको जस्ट अ मिनट, तो हमने जो पहले डायग्राम देखा था, ठीक है, हमने जो पहले डायग्राम देखा था, इट इज हेयर। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जाइलम के साइड में फ्लोएम है। तो अगर फ्लोएम के अंदर सुक्रोज भर जाएगा तो वहां पर वाटर कंसेंट्रेशन कम होगी, तो जाइलम से ये वाटर आपका फ्लोएम के अंदर आ जाएगा, क्योंकि वहां पे पोर्स होते हैं इंटरकनेक्शन के लिए। तो ये जो पोर्स है इनके थ्रू जाइलम के अंदर से फ्लोएम के अंदर पानी आ जाएगा। दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द टिश्यू कॉजिंग वाटर टू मूव इनटू इट। एंड अब यहाँ पे क्योंकि सोल्यूट भी है और यहाँ पे वाटर भी है, तो यहाँ पे बहुत सोल्यूशन बहुत ज्यादा बन जाएगा। इस वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर या बल्क फ्लो यहाँ पे आपका होगा, और ये आपका जहां पे रिक्वायर्ड है ये आपका सुक्रोज, या फिर जहां भी कम प्रेशर है फूड का इस फ्लोएम के अंदर वहां पे ही चला जाएगा। सो दिस प्रेशर मूव्स द मटेरियल इनटू द फ्लोएम।
टिश्यूज विच हैव लेस प्रेशर, तो क्योंकि यहाँ पे लीफ के अंदर प्रेशर ज्यादा हो चुका है, वहां पे आपका पहले सुक्रोज एक्टिवली अपलोड हुआ, एक्टिवली यहाँ पे डाला गया फ्लोएम के अंदर, फिर वहां पे वॉटर भी आया जाइलम से, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, तो जहाँ पे प्रेशर कम है वहां पे फ्लोएम के अंदर ये मूव कर जाएगा। एंड दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर स्प्रिंग की मैं बात करूँ तो क्योंकि स्प्रिंग के अंदर आपका ग्रोथ होती है प्लांट की, बर्ड्स आते हैं, फ्लावरिंग होती है, तो स्टोरेज द शुगर स्टोर्ड इन द रूट और स्टेम टिश्यू वुड बी ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स विच नीड एनर्जी टू ग्रो। तो यहाँ पे लीफ से किसी भी ग्रोइंग ऑर्गन या किसी भी स्टोरेज ऑर्गन में आपका ट्रांसपोर्ट हो जाता है, लेकिन अगर शुगर स्टोर्ड है तो वो आपकी स्टोरेज ऑर्गन से निकल के आपकी ग्रोइंग ऑर्गन में भी जा सकती है लीफ को हटा के। तो ये आपका प्लांट के नीड्स पे डिपेंड करता है कि सोयल कहाँ से कहाँ जानी चाहिए। तो एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। सो दिस इज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। सो ये आपका धीरे धीरे जो आपकी आपके आपके फोटोसिंथेटिक यू कैन से प्रोडक्ट्स हैं वो आपके सीव ट्यूब के अंदर जाते हैं, फ्लोएम के अंदर जाते हैं, उसके पीछे पीछे वाटर चलता है। सो शुगर एंटर सीव ट्यूब्स एंड वाटर फ्लोज बाय ऑस्मोसिस। यहाँ पे बहुत हाई टर्गर प्रेशर बन जाता है यहाँ, या फिर यू कैन से प्रेशर यहाँ पे बहुत हाई हो जाता है। फिर फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर अगर रिक्वायरमेंट है तो रूट के अंदर प्रेशर आपका लो होगा, या फिर आपका ग्रोइंग टिप पे या फिर स्टेम के अंदर रिक्वायरमेंट है, तो धीरे धीरे ये जो आपका फ्लो है वो लो प्रेशर की तरफ या जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां की तरफ चला जाएगा। सो शुगर सॉल्यूशन फ्लोस टू रीजंस ऑफ लो टर्गर प्रेशर। यहाँ पे हाई टर्गर प्रेशर था तो अभी लो टर्गर प्रेशर की तरफ जाएगा। टर्गर प्रेशर होता है कि किसी भी सेल के अंदर जब आपका पानी भर जाता है तो वॉल्स पे जितना भी प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज टर्गर प्रेशर, जब सेल टर्जिड हो जाते हैं। तो अब ये लो टर्गर प्रेशर की तरफ जाएगा, लो प्रेशर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जब शुगर पहुंचेगी या तो रूट पे या तो यहाँ पे स्टेम के टिप पे ग्रोइंग पार्ट पे या स्टोरेज ऑर्गन पे, तो यहाँ पे क्या होगा शुगर लीव सीव ट्यूब्स, तो शुगर वापिस बाहर आ जाएगी, और शुगर वापिस बाहर आने के बाद जो यहाँ पे पानी बचा वो धीरे धीरे आपका जाइलम के अंदर वापिस चला जाएगा। सो दिस इज हाउ ट्रांसलोकेशन हैपन्स। तो आज हमने ट्रांसलोकेशन पढ़ा, ट्रांसपिरेशन पढ़ा, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं एक बार। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ये हमने कवर किया था। तो ब्लड वेसल्स, हार्ट और ब्लड वहां पे कॉम्पोनेंट है, और क्या फंक्शन है तीनों के, ये आप अच्छे से कर सकते हो। हार्ट का काम है पंप करना, ब्लड का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, CO2 को कैरी करना, एंड ब्लड वेसल्स का काम है नेटवर्क एस्टेब्लिश करना ट्रांसपोर्ट के लिए। सेकेंड, Why is it necessary to separate oxygenated and deoxygenated blood in mammals and birds? क्योंकि वो highly mobile होते हैं, वहाँ पे homeostasis होती है, वो warm blooded होते हैं, वो homeotherms हैं, तो इसलिए वहाँ पे आपका temperature regulation के लिए homeostasis को maintain करने के लिए वहाँ पे आपका high energy needs है, इसलिए वहाँ पे separation चाहिए। Third, what are the components of transport system in highly organized plants? तो ये हम बात कर चुके हैं, water की आपकी जो transport है वो जाइलम से होती है, जहां पे आपके ट्रैकेट्स और वेसल्स हेल्प करते हैं। प्लांट्स के अंदर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स फ्लोएम के अंदर आपका हेल्प करते हैं। देन हाउ आर द वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, तो ये आपके जाइलम के थ्रू होंगे, फूड आपका फ्लोएम के थ्रू होगा। सो दिस इज टुडेज वीडियो, एंड आप इस टॉपिक को रिवाइज करिए, अगर कुछ समझना है तो कमेंट्स कीजिए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज ओके फॉर नाउ, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।